हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टेक। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ गूगल एडसेंस के बारे में, और गूगल एडसेंस के साथ साथ ही मैं चार एक ऐसे सर्च इंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कोई न्यू यूजर्स अपना वीडियो या कोई एडवर्टीजमेंट, कोई एड हो, उसको प्रमोट करा सकता है। जैसे पहला है गूगल एडसेंस, जिसके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। दूसरा है SEO, तीसरा है SMO, चौथा है PPC, पांचवा है SEM। तो सबके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गूगल एडसेंस को। तो पहला है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस गूगल की तरफ से दी जाने वाली एडवर्टीजमेंट वेबसाइट है जिससे यूट्यूबर और ब्लॉगर अपने चैनल चाहे वेबसाइट से अर्निंग करते हैं। जैसे कि जो गूगल एडसेंस है, गूगल की तरफ से दी जाने वाली एक एडवर्टीजमेंट वेबसाइट है जिससे कि यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, अपने चैनल पर एड लगाकर उससे अर्निंग कर सकते हैं और अर्निंग करते भी हैं। जो गूगल एडसेंस है वो लगभग अपने इनकम का 55% लोगों को दे देता है और जो बचता है वो अपने पास रखता है। तो अगला है SEO, जिसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने ब्लॉग को सर्च इंजन पर सबसे पहले पेज पर लाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों, कोई नया यूजर्स है, नया यूट्यूबर्स है, तो जो अपना पेज है, जो बनाएगा, कुछ ब्लॉग लिखेगा, उसको पहले पेज पर लाने के लिए उसको कुछ खर्च करने पड़ते हैं। अगर जो नया यूजर्स है उसका, तो पहले तुरंत उसका कोई वीडियो हो चाहे कोई ब्लॉग हो, वायरल होगा नहीं तो उसको मतलब तुरंत जल्दी से वायरल करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसका ब्लॉग जो है वो पहले पेज पर आने लगता है और लोग उसको देखते हैं, उस पर पढ़ते हैं और उसका ट्रैफिक बन जाता है। और तीसरा है SMO, जिसका फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना ही सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं आजकल के जो ज़माना है, खासकर कोविड पेंडेमिक के बाद लोग अपना बिजनेस खास करके ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन जर्नी पे जा रहे हैं लोग। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं, अपना वेबसाइट बनाते हैं और अपना कोर्स बनाते हैं, उसको ऑनलाइन बेचते हैं। तो अपना बिजनेस को या प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो, उसको मतलब सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आदि जगहों पर ले जाने को ही SMO कहते हैं, यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है PPC। PPC का फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। PPC का यूज ऐड को गूगल या अन्य सर्च इंजन पर रन करने के लिए पे पर क्लिक का यूज किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, जब कोई नया यूजर्स है, अपना वेबसाइट बनाता है या कोई भी प्रोडक्ट हो उसका, जो गूगल पर या अन्य किसी वेबसाइट या सर्च इंजन पर जब वो प्रमोट करता है, तो उस पर क्लिक पर कितना पे करता है, पे पर क्लिक के अंतर्गत ही यह बात आता है। मान लीजिए कोई नया यूजर्स है, उसके मान लीजिए कोई वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है, तो पर क्लिक पर वो कितना पे करेगा, और मान लीजिए उसके वेबसाइट पर जितने भी विजिटर आएंगे, विजिट करेंगे और उस पर सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो उसका वेबसाइट पर जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि PPC का यूज हम किसी भी एड को रन करने के लिए, चाहे अपना कोई प्रोडक्ट हो उसे प्रमोट करने के लिए PPC का यूज हम करते हैं, ताकि हमारे जो ट्रैफिक है वो बढ़े और हमारे वेबसाइट पर विजिटर आए और जो प्रोडक्ट हो उसको देखे और खरीदे या जो भी हो करे अपना। अगला पांचवा है SEM, इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। अपने ऐड को गूगल या अन्य किसी सर्च इंजन पर रन करने के लिए सर्च इंजन मार्केटिंग का यूज करते हैं। ये भी उसी की तरह है कि कोई भी अगर नया यूजर्स हो तो अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए या प्रमोट करने के लिए गूगल या अन्य किसी सर्च इंजन पर जाता है और उसको प्रमोट कराता है। और प्रमोट कराने के बाद आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कि कई सारे वेबसाइट आ चुके हैं, जैसे लोग अपना कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसको सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, अपना ब्लॉग बनाकर, अपना वेबसाइट बनाकर, कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट लोग प्रमोट करता है और बहुत सारा ट्रैफिक पाता है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।